फाइनली मिली। हमारे साथ यहाँ पर गौतम गंभीर है, शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर बहुत बहुत स्वागत, और संदीप पाटिल भी है। लेकिन सबसे पहले शोएब, बहुत बधाई है, पाकिस्तान टीम ने ये फाइनल जीता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों टीम इंडिया यहाँ हारा, क्या आपको लगता है तब टीम इंडिया हार गया जब पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, या फिर तब जब मोहम्मद आमिर ने अपने पहले ही स्पेल में टीम इंडिया के टॉप थ्री जो फॉर्म में थे उनको आउट किया? तो विवेक, पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं लाइव शो से उठ के आपके पास आया हूँ क्योंकि मेरा आपके साथ एक रिश्ता है, बीबी के साथ और हिंदुस्तानियों के साथ। विवेक जी, आपकी टीम को मुबारक हो, उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया है। ये कोई छोटी चीज नहीं हुई कि हिंदुस्तान ने क्वालिफाई किया है। आज हिंदुस्तान अगर हारा है तो उसको बुरा भरा कहने की जरूरत नहीं है। एज अ पाकिस्तानी आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अपनी टीम को पैक करें, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, देयर वाज अ मिस्टेक कि जब मुझे लगा ये टॉस जीत के पाकिस्तान को आसान विकेट पे बैटिंग करने का मौका दिया, और मुझे ये लगा कि बहुत बड़े बड़े बोल दिए गए मैचेस से पहले, तो शायद अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ नौजवान खिलाड़ियों को एक हौसला मिला, एक ताकत मिली, एक श्रीलंका के प्लेयर्स ने कहा कि हमें हिंदुस्तान के कुछ खिलाड़ियों की बातों से हमें हौसला मिला, तो शायद बहुत सारी रीजंस ऐसी बन गई, बहुत सारी वजूहत ऐसी बन गई। फिर मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान मुबारकबाद देता है हिंदुस्तान को, एक बहुत बड़ी टीम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी बन के जीते थे कल, हिंदुस्तानी बन के आज हारे हैं आप। हम आज भी आजी के साथ हम अपनी जीत को एंजॉय करते हैं और इसका लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आई थिंक हिंदुस्तान मिस द ट्रिक। हिंदुस्तान अगर 300 कर जाता और पाकिस्तान को बाद बैटिंग कराता तो आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव बीन लॉट मोर अंडर प्रेशर, बट आई थिंक इंडिया हैज मेड अ मेजर मिस्टेक एंड दे पेड फॉर इट।